So hi everyone, welcome back to our channel GMD Academy. Today we have Dhruv with us. Dhruv, from where are you? Sir, I am from Ghaziabad. From Ghaziabad, Delhi ke paas se. So kya mindset tha after 12th to join Merchant Navy? Sir, mindset to 12th ke pehle ban chuka tha. Okay. Aise 10 complete hua, uske baad option career option dhoond raha tha. To ghar walon ne bola science side lena ki एक तरीके से होता है ना कि साइंस साइड लेना अच्छी साइड है, बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं. तो मैंने साइंस साइड लेने से पहले सर्च करा था करियर ऑप्शंस. ओके. तो बहुत सारे आए थे, तो जैसे कि आईआईटी ये सब में बहुत सारा भीड़ रहता है, कंपटीशन से नहीं डरा मैं. yes. लेकिन मैं सोच रहा था सब लोग अगर आईआईटी कर रहे हैं तो और ऑप्शंस भी तो होंगे. मैंने सर्च करा तो मर्चेंट नेवी के बारे में दिखा मेरे को, इंस्टाग्राम से भी दिखता था, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब थोड़ा और स्क्रॉल करा, फिर प्रणीत सर की बहुत सारी वीडियोस थी, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि उस टूवर्ड्स उसके कि एक मर्चेंट नेवी का ऑप्शन है, एडवेंचरस लाइफ के साथ मेरे को अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा. तो मैंने उसके बाद सर्च करा, 11th में साइंस ली एंड 12th आते आते फिर मैंने जैसे कि 12th में आते आते जेएमडीआई वालों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को मैं फॉलो करता हूँ. ओके. आप फॉलो करते हो. तो उसमें उन्होंने लिखा कि दे रखा था कि स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं 2024 के लिए. तो मैंने वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करा था और फिर हमने आपसे बात करी जनवरी के टाइम पे. आपने कहा था बोर्ड्स पे ध्यान दो, फिर बोर्ड्स कंप्लीट करे, उसके बाद आदि आ गया. सी, प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है. द बेस्ट पार्ट ऑफ जेएमडीआई इज कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको जाना है, क्वेरी करी है तो ठीक है, जहाँ भी हो जैसे भी हो आ जाओ. नहीं, प्रोसेस पहले अपना 12th का बोर्ड बहुत अच्छे से दो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या आप कितना पानी में हो, राइट, परसेंटेज कैसी है, कैसे आपको करना है, बिकॉज एलिजिबिलिटी भी तो मैच करना है, उसके बाद आगे मेहनत करनी है, राइट. तो जब आप यहाँ पे आए, जो जो आपको कॉल पे बताया गया था दैट यस फैकल्टीज अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगा जैसे है, तो क्या जब आप यहाँ पे आए तो वो चीज़ होती है या गलत बताया था? जी सर, बिल्कुल, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है. टाइम टू टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन होता रहता है, जैसे कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो हमारा और ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग रही हैं और बहुत बच्चों के मेरे साथ के पेपर के एक दो के निकल भी गए हैं, सिलेक्शंस भी हो चुके हैं और मेरा भी अभी दो तीन एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन. बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छी चलती है. तो टू बेस्ट थिंग्स यू वांट टू शेयर अबाउट जेएमडीआई एकेडमी? सर, द फर्स्ट वन इज फैकल्टीज बहुत अच्छी है और कुछ सर तो इतने अच्छे हैं, वो इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि आप खुद बोलोगे कि मेरा हो जाएगा. पहली बात तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा. बहुत बढ़िया. और दूसरी बात मेरे को लगता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे. टाइम टू टाइम खाना वाना अच्छे से रहना, तीन लोगों का जो हमारा हॉस्टल टू है उसमें तीन लोग बैठते हैं आराम से. पढ़ने के लिए हम मेस में जा सकते हैं बैठने अपना, वरना हम क्लास में अपने रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, पूरा साइलेंस रहता है. परफेक्ट. तो एक स्टडी का जो आपको एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मिलता है, डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, राइट. तो ये कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, राइट. तो अभी प्रणीत सर से मिले हो? जी सर, मिले हैं. वन टू वन इंटरेक्शन भी हुआ है उनके साथ या सेशंस वगैरह में? सेशंस अभी नहीं हुए हैं, लेकिन वन टू वन भी इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट वो हॉस्टल में आते रहते हैं. अच्छा, हॉस्टल में आते रहते हैं तो आपको मिलते हैं, राइट. तो अगर कभी आपको मौका मिले प्रणीत सर के साथ डिनर करने का, तो क्या एक क्वेश्चन है जो उनसे पूछना चाहोगे? सर, मैं तो सबसे पहले उनके पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, कि अपने स्टार्टिंग टू एंड तक. वैसे उन्होंने बता रखा है जब इंटरेक्शन होता है साथ में, तो वो बता देते हैं, लेकिन मेरे को वन टू वन भी पूछना है कि आपने क्या माइंडसेट था आपका कि आपको इस लाइन में जाना है. उसके बाद मैं पूछूंगा आपने हमने ये जो जेएमडी अकेडमी है वो क्यों खोला, क्योंकि अच्छा पे तो उसमें रहता है मर्चेंट नेवी में, ऊपर से वो चीफ इंजीनियर भी हैं तो अच्छा पे हो रहा होगा उनको, बिल्कुल, तब भी वो इस साइड आए, एजुकेशनल साइड आए, बच्चों को अवेयर करा बच्चों को. बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा तो इस चीज़ पे भी सर आपको जरूर बताएंगे कि क्या उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने शेयर करा, राइट. तो बेटा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं अभी फ्रॉम गाजियाबाद या ऑल ओवर इंडिया से, जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, जेएमडी एकेडमी ज्वाइन करना है, उनको क्या एक मैसेज आप सजेस्ट करना चाहोगे? सर, एक ही मैसेज देना चाहूँगा, कॉल इंक्वायरी करो, सर इतना अच्छा बताते हैं, कॉल करोगे आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है अपना, वही पीसीएम में अच्छा परसेंटेज 60 अबव से ज़्यादा तो 70 अबव लाने की कोशिश करो, ताकि आप सारे कंपनीज के लिए एलिजिबल हो सके. और मेहनत करने में से हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड भी नहीं होता. बस मेहनत हमेशा साथ रखनी है यार. देखो, हार्ड चीज़ें नहीं होती, हार्ड हम बना देते हैं. अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जो मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, राइट. अब जो मेहनत कर रहा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, उसके लिए ईजी है. तो ये हार्ड मुश्किल ये सब हम क्रिएट करते हैं. अगर आप मेहनत करने के तैयार हो, चीज़ें अच्छी हैं तो बनी जाएगा सब कुछ. ठीक, चले, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.